नमस्कार, मैं हूं अंजु पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। झारखंड के किसी भी जिले में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया मौजूद नहीं है, एक भी रोहिंग्या अवैध तरीके से वहां पर आकर नहीं बसा है। फिर चाहे वो संथाल परगना जैसा जिला ही क्यों ना हो, जो बांग्लादेश की सीमा के साथ बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन इनमें से किसी भी जिले में इस वक्त एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया मौजूद नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये झारखंड के वो सारे जिला कलेक्टर्स कह रहे हैं जिन्हें झारखंड हाई कोर्ट में इस बारे में एक रिपोर्ट पेश करनी थी, जिन्हें इस बारे में जानकारी देनी थी झारखंड हाई कोर्ट को कि उनके इलाके में कितने रोहिंग्या मौजूद हैं, उनके इलाके में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिया अवैध तरीके से रह रहे हैं। ये सारा आंकड़ा इकट्ठा करके उनको झारखंड हाई कोर्ट को देना था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो जो आंकड़ा, जो हलफनामा इन सब ने झारखंड हाई कोर्ट के सामने रखा है, उसमें ये दावा किया है कि उनके इलाके में तो एक भी घुसपैठिया मौजूद नहीं है। देखिए क्या कहता है उनका ये हलफनामा। झारखंड हाई कोर्ट के सामने गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और दुमका जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स ने जो हलफनामे दाखिल किए हैं, उनमें ये दावा किया गया है कि इन जिलों में कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया कभी आया ही नहीं, यानी एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया इन इलाकों में अब है ही नहीं। रोहिंग्या की बात तो छोड़ दीजिए, कोई भी अवैध तरीके से वहां पर आकर नहीं बसा है। और प्रशासन के इस दावे पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सख्त लहजे से पूछा है कि अगर इन इलाकों में कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया आया ही नहीं है, तो फिर इन हलफनामों में ये साफ क्यों नहीं किया गया है कि इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कम होने का कारण क्या है? इस बारे में इस हलफनामे में कोई वजह क्यों नहीं बताई गई है? क्योंकि अगर कोई घुसपैठिया वहां पर आया ही नहीं, तो फिर आदिवासी समुदाय की जो जनसंख्या 36% हुआ करती थी 2011 में, वो अब 26% कैसे रह गई? अगर कोई घुसपैठिया आया ही नहीं, उन्होंने आदिवासी लड़कियों के साथ शादी नहीं की, उनका धर्मांतरण नहीं किया, तो फिर आदिवासियों की जनसंख्या में इतनी गिरावट कैसे आई? ये पूछा है अब झारखंड हाई कोर्ट ने। आगे सुनवाई के दौरान क्या हुआ? आगे झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सवाल यह है कि यहां रखे गए आंकड़ों में इस क्षेत्र में जो संथाल परगना है, वहां पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या 1951 में 44.67% थी। यानी कि कोर्ट के सामने जो जानकारी रखी गई है, जो तथ्य रखे गए हैं, उनके हिसाब से तो 1951 में अनुसूचित जनजाति के जो लोग थे उनकी आबादी 44.67% थी, जो साल 2011 में घटकर 28.11% पर आ गई। इसे दिनांक 8 अगस्त 2024 के आदेश में भी नोट किया गया, ये झारखंड हाई कोर्ट कह रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हलफनामे में इन क्षेत्रों में आदिवासियों की जनसंख्या में कमी के बारे में कोई प्रासंगिक आंकड़े पेश ही नहीं किए गए, उस बारे में कोई जवाब ही नहीं दिया गया। सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए इन सभी जिलों के जो कलेक्टर्स है उन्होंने कि उनके इलाके में तो कोई घुसपैठिया है ही नहीं। यानी कि उनको समझ में आ गया कि अगर झारखंड हाई कोर्ट से जान बचानी है तो सीधे सीधे हाथ खड़ा कर दो, क्योंकि यही काम तो वहां की हेमंत सोरेन सरकार कर रही थी। क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चिंता जताते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को आदेश दिया था कि वो इन घुसपैठियों की पहचान करें, पता लगाए कौन कहाँ रह रहा है, कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, कितने रोहिंग्या यहां पर आकर बस गए हैं। तब झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार राज्य में अवैध रूप से घुसने वाले सभी विदेशी नागरिकों की पहचान करके आंकड़ा तैयार करे और उन्हें राज्य से बाहर करे, उन्हें अपने राज्य से बाहर निकालने का बंदोबस्त करे। यहां ताजुब की बात यह है कि जब झारखंड हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था तो हेमंत सोरेन सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे कोर्ट में और ये कहा था कि उनके लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन है। वो इस तरीके से हर गांव में जाकर ये पता नहीं लगा सकते कि कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बस गए हैं और कितने रोहिंग्या वहां पर आकर बस गए हैं। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने
जो जिला कलेक्टर्स है उनको आदेश दिया था कि वो बाकायदा कमेटियों का गठन करें और इन कमेटियों का काम जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना था। अब इस मामले में इन जिलों के प्रशासन का ये कहना है कि उनके इलाके में तो कोई घुसपैठिया है ही नहीं, यानी कि जो भाषा हेमंत सोरेन सरकार झारखंड हाईकोर्ट में बोल रही थी, अब उनके राज्य के अलग अलग जिलों के कलेक्टर्स भी हेमंत सोरेन की भाषा ही बोल रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड के कम से कम 25 निर्वाचन क्षेत्रों में आकर बस गए हैं, उन सबको आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड देकर वैध बना दिया गया है? इसका मतलब तो यही हुआ कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने उन सब अवैध नागरिकों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड देकर वैध बना दिया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। झारखंड मुक्ति मोर्चे का सबसे बड़ा वोट बैंक ये मुस्लिम लोग ही हैं जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके झारखंड में घुसे हैं। संथाल परगना जो जिला है वो तो बिल्कुल बांग्लादेश से सटा हुआ है, वहां से घुसपैठ करना बहुत आसान है। और कम से कम 25 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का बोलबाला है, जहां पर अप्रत्याशित तरीके से डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, अचानक से जो मुस्लिम वोटर हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। अमूमन कहा जाता है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या किसी भी लोकसभा क्षेत्र में 15 से 17% तक वोटरों की तादाद में बढ़ोतरी होती है, लेकिन इन 25 विधानसभा सीटों पर जो झारखंड में है 117% से लेकर 123% तक मुस्लिम वोटरों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है, जो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। और अगर इन सभी जिलों के जिला कलेक्टर्स ये कह रहे हैं कि उनके इलाके में तो घुसपैठ हुई ही नहीं है, तो फिर जो आंकड़े गोड़ा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने संसद के अंदर रखे थे, लोकसभा के अंदर रखे थे जुलाई महीने में, क्या वो आंकड़े झूठे थे? कोई भी तथ्य, कोई भी बात जब लोकसभा के पटल पर रखी जाती है वो झूठ नहीं हो सकती, वो बात सत्य ही मानी जाती है। तो ऐसे में जो हलफनामा झारखंड के अलग अलग जिले के कलेक्टर्स ने झारखंड हाईकोर्ट में रखा है, क्या वो हलफनामा झूठा नहीं है? और डॉक्टर निशिकांत दुबे ने झारखंड की बदलती हुई डेमोग्राफी को लेकर लोकसभा के अंदर क्या कुछ कहा था वो भी आपको बताती हूं। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सदन में खुलासा किया था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए संथाल परगना में आकर आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं और इस तरीके से आदिवासी महिलाओं का धर्मांतरण हो रहा है। यही नहीं, संथाल परगना के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते मुस्लिम आबादी अप्रत्याशित तरीके से बढ़ रही है। इन इलाकों में हिंदुओं के गांव खाली हो रहे हैं। और उन्होंने सदन में अपनी बात रखते हुए ये भी कहा था कि संथाल परगना से सटे हुए बाकी जो झारखंड के जिले हैं वहां पर अचानक से 46 मदरसे बन गए हैं। आगे उन्होंने कहा था कि जितने भी पद आदिवासियों के लिए आरक्षित है, यानी कि जितने भी पद आदिवासी महिलाओं के लिए भी आरक्षित है, उन सब पदों पर जीतने वाली आदिवासी महिलाओं के पति बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, मुस्लिम हैं और परोक्ष तौर पर उनकी जगह वही काम करते हैं। 100 ऐसे गांव हैं जिनकी प्रधान आदिवासी महिलाएं हैं और उनके पति मुस्लिम हैं जो बांग्लादेश से अवैध तरीके से झारखंड में आए और उन्होंने अपना आधार कार्ड बनवा लिया, उन्होंने अपना राशन कार्ड बनवा लिया, उन्हें वोटर आई कार्ड मिल गया और उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चे की जो सरकार है उन्होंने उन्हें वैध बना दिया। इसीलिए जो जिला कलेक्टर हलफनामा लेकर आए हैं झारखंड हाईकोर्ट में, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके इलाके में तो एक भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया मौजूद नहीं है, एक भी रोहिंग्या मौजूद नहीं है, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी लोगों ने घुसपैठ की है बांग्लादेश से इन इलाकों में उन्हें तो सारे दस्तावेज देकर वैध बना दिया गया है। आगे निशिकांत दुबे ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि उनके संसदीय क्षेत्र गोड़ा के मधुपुर विधानसभा में 267 बूथ पर
मुसलमानों की आबादी 117% से बढ़ गई है। पूरे झारखंड में 25 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 110% से लेकर 123% तक बढ़ी है। आमतौर पर 16 से 17% के हिसाब से ही वोटरों की गिनती में बढ़ोतरी होती है, लेकिन झारखंड की इन सीटों पर तो मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी कई सवाल खड़े कर रही है। अप्रत्याशित तरीके से ये बढ़ोतरी हुई है, तो ये मुसलमान आए कहां से? अचानक से इनकी आबादी इतनी कैसे बढ़ गई? कहीं से तो आए होंगे। आदिवासी इलाका है, आदिवासी जनजाति लोग रहते हैं झारखंड के इन जिलों में, उनके बीच में मुसलमान कहां से आ गए? तो ये सारे मुसलमान आए तो बांग्लादेश से हैं, ये रोहिंग्या बांग्लादेश के रास्ते आए हैं, लेकिन इनको वैध बना दिया गया है। और इनको वैध क्यों बनाया गया है, सवाल तो ये है। जिला कलेक्टर क्यों कह रहे हैं कि उनके इलाके में तो एक भी अवैध घुसपैठिया मौजूद ही नहीं है? वो इसलिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आरजेडी हो या कांग्रेस हो, सरकार तो इन्हीं की है। और इनका वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है, सबके सब मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन क्यों कहेंगे कि उनका वोटर जो है वो अवैध रूप से आया हुआ घुसपैठिया है? उन्होंने तो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए उन्हें आधार कार्ड भी दे दिया, राशन कार्ड भी दे दिया, वोटर आई कार्ड भी थमा दिया, इसलिए वो तो अवैध रहे ही नहीं। तो कलेक्टर तो सही कह रहे हैं हलफनामे में कि उनके इलाके में कोई भी अवैध घुसपैठिया मौजूद नहीं है। अब जिस तरीके से झारखंड हाईकोर्ट के जजों ने डिप्टी कलेक्टर्स के हलफनामे पर सवाल उठाए हैं, तो सीधे सीधे कटघरे में हेमंत सोरेन सरकार है। उन्हीं से ये पूछा जा रहा है कि आदिवासियों की 10% आबादी कहाँ चली गई, और जो आंकड़े कोर्ट के सामने रखे गए थे क्या वो गलत थे? और साथ ही साथ जो आंकड़ा डॉक्टर निशिकांत दुबे ने संसद में रखा था क्या वो भी गलत है? ऐसे में दबाव हेमंत सोरेन सरकार पर है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ वोट बैंक की खातिर कर रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए वो देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये मामला झारखंड हाईकोर्ट के सामने है, और झारखंड हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने ये जानकारी दी थी कि राज्य सरकारों को पूरा अधिकार है, वो किसी भी घुसपैठिए को चिन्हित करके उसे वापस उसके देश भेज सकते हैं, इसमें केंद्र सरकार के दखल की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगली सुनवाई पर हेमंत सोरेन सरकार को झारखंड हाईकोर्ट को यह बताना होगा कि आदिवासियों की 10% आबादी कहाँ चली गई, डेमोग्राफी में बदलाव क्यों हो रहा है, क्यों 25 विधानसभा क्षेत्र जो है झारखंड के वहां पर अचानक से मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। इन सारे सवालों के जवाब हेमंत सोरेन सरकार को अगली सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट को देने होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।